सेमेस्टर 2 स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 ये भी एक परीक्षा पार्ट 5 जो हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो पढ़ा अच्छे से समझा और इसी तरह से आपको भी क्या करना है ओरली टेक्स्ट बुक के अंदर से आपको उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। वो किस तरह से पढ़ोगे वो आपको पता होना चाहिए, कैसे समझना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा मत बोलना सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सर ऑलरेडी आपको वीडियो भेज रहे हैं, आपको पीडीएफ द्वारा क्वेश्चन आंसर भी भेजेंगे, आपको अच्छे से समझा भी रहे हैं, फिर जाके आप उस टेक्स्ट बुक में से वीडियो देखते देखते टेक्स्ट बुक के जो भी पन्ने पे पेज पर जितना लिखा हुआ है उसमें उन्हें रख के आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, अच्छे से वीडियो आ रहे हैं और आप आराम से वीडियो देख करके चैप्टर के अंदर से आपका जितना भी चैप्टर जो पार्ट है वो आराम से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये भी एक परीक्षा ये जो चैप्टर दिया गया है कि एक एग्जाम का टाइम है और वहां पे क्या होता है एक बालक होता है जो कि पैदल चलते हुए जा रहा होता है और उसके बीच में क्या कौन आता है एक भिखारी आता है और उसके पास कुछ पैसा मांगता है कुछ मांगता है। ठीक है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक जो लड़का है जो एक साइकिल पे आता है और साइकिल पे आता है और वो एक भिखारी के साथ टकराता है और भिखारी के साथ टकराने से जो हमें एक अलग तरीके से अलग रूप से कुछ नई बात सीखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इस चैप्टर के आगे जिस तरह से आपको जो किसी भी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार का कोई समझने योग्य और समझने लायक कुछ बातें होती है वो हमें सीखने को मिलती है और देखने को भी मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस चैप्टर 7 के अंदर पार्ट 4 में जो मैंने बताया कि आप जो बोलते हो जैसे कि इस लड़के ने बोला था कि जब मैं स्कूल एक तो स्कूल की देरी हो रही है और ये बीच में आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि वो बहाना कर रहा है, कौन वो लड़का, और रियल में ऐसा ही होता है वो बहानाबाजी करते हैं। क्या करते हैं बहाना करते हैं क्योंकि कुछ बहाना मिल ही जाता है। देखो वो बोलता है कि बीच में आ रहा है, अगर वो बीच में आया ठीक है, भीख मांग रहा है, अंधा है, समझ नहीं सकता, ठीक है, देख नहीं सकता था, वो कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में जाना है कौन से रास्ते पे जाना है, लेकिन आप साइकिल चला रहे हो आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और आपको किस तरह से कौन सी गति में चलना है कौन सी स्टेप से चलना है कितना स्पीड में चलना है वो आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा इल्जाम जो वो लड़का है एक भिखारी के ऊपर डालता है कि उसे बोलता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं एक तो लेट हो रहा हूं और आप बीच में आ जा रहे हो, लेकिन वो बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट वाली लाइन में जो हमने इस पार्ट 4 के अंदर जो लास्ट में जो लाइन पढ़ी वो मैं एक बार पार्ट 5 के अंदर दोहरा देता हूं। जैसे कि साइकिल वाला ठीक है कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है, जो लड़का साइकिल वाला है वो कपड़े झाड़ करके साइकिल उठाता है, फिर क्या बोलता है अंधा है क्या, उसे बोलता है कि तू अंधा है क्या। ठीक है, सामने आ गया, क्या तू अंधा है, रियल में वो तो बेचारा अंधा ही था लेकिन उसे क्या बोले तो अंधा है क्या, सामने आ गया। ठीक है, इस भिखारियों ने नाक में दम कर रखा और वो लड़का ऐसे ही शब्द निकाला ऐसा ही बोला कि इस भिखारियों ने तो क्या कर दिया है हमारा जो मतलब जीना है वो भी हराम कर दिया है और नाक में दम कर रखा है, कौन बोला वो लड़का बोला। इसी तरह से उस इसी बात में इसी तरह से उसे बोलने लगा कि इन्होंने तो हमारा जीना भी हराम कर दिया है और नाक में दम कर रखा है।
स्कूल की देर करवा देगा, स्कूल की देर करवा देगा, उसे समझ में नहीं आता है कि वो मुझे मेरी स्कूल की क्या करवाएगा, देर करवाएगा। परीक्षा का पहला दिन है, आज मेरी परीक्षा का एग्जाम का क्या है, पहला दिन है, ठीक है। साइकिल पर जाता है और वो लड़का है इस तरह से बोल करके साइकिल पे जा रहा है, लेकिन उस भिखारी को, अंधे व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं पूछा कि अगर देखो कोई बुढ़ा व्यक्ति होता है, अगर किसी से कोई टकरा जाता है और टकरा जाता है तो गिरता है तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ लग जाता है, लेकिन वो साइकिल से टकरा जाता है और वो गिर जाता है और गिर के वो चिल्लाता है कि अरे मेरे टांग में लग गई, ऐसा उस भिखारी ने बोला भी था लेकिन उस लड़के ने नहीं सुना। इस लड़के ने अनसुनी करके क्या किया, आगे वो अपना काम था वो करने निकल गया, लेकिन उस लड़के को ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यक्ति को अगर ये व्यक्ति गिरा है तो थोड़ी बहुत लगी होगी तो उसे कुछ पूछ, उसे आश्वासन देना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि आपको कहीं लगी तो नहीं, कहीं शॉर्ट तो नहीं लगी, कहीं ज्यादा तो नहीं लगा, इस तरह से उसे पूछना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं और वो लड़का उल्टा उसे डांटते हुए अपनी साइकिल लेके निकल जाता है कि मैं तो मेरे स्कूल की देरी हो रही है और मैं निकल रहा हूं, इस तरह से वो आगे निकल जाता है। फिर देखो भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई है, अरे कोई मुझे उठाओ, इस तरह से जो भिखारी है वो क्या करता है, वहीं पे बेचारा गिर गया है और वहीं पे पड़े पड़े क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, वहीं पे पड़े पड़े चिल्ला रहा है कि भिखारी बोल रहा है कि मतलब इस तरह से उनकी आवाज से वो बोल रहा है कि भिखारी पड़ा पड़ा हाय रे भगवान, ए भगवान मुझे, मैं गिर गया हूँ, मेरे पैर में लग गई है, मेरी टांग टूट गई है, इस तरह से वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है और आसपास के लोग है वो इधर उधर घूमते होंगे या कोई दयावान व्यक्ति होगा वो उस भिखारी को बचाने के लिए वहां पे जरूर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए और अच्छे से इस चैप्टर को समझते रहिए, ठीक है, और आपको भी अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि हाँ रियल में इस प्रकार की ये घटना है, इस तरह से ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर देखो अरे कोई मुझे उठाओ, अरे कोई मुझे उठाओ, वो बड़े बड़े बेचारा भिखारी है वो चिल्ला रहा है लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा है, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, कोई तो ऐसा इंसान हो जो इसके मानवता की भावना हो, दया की भावना हो, किसी के मन में मानवता की भावना हो, दया की भावना हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि मुझे इस जो मैं इस सड़क के पीछे बीच गिरा हूं तो मुझे कोई किनारे पे उठा करके सड़क के किनारों पे ले जाओ और मुझे थोड़ी बहुत कोई हेल्प दो, लेकिन कोई वहां सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बेचारा एक गरीब व्यक्ति है, उसकी जगह पे अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति गिरा होता तो उसे 100 लोग, कोई बड़ी कार लेके खड़ा है, बड़ी गाड़ी लेके खड़ा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो गिर गया है तो उसके कार वाले के आजू बाजू में सब लोग खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये तो मेरे पहचान वाला है, ये तो मेरे पहचान वाला है, मैं उसको जानता हूं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है इसलिए उसे कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, उसके सारे रिलेटिव मिल जाते हैं। और जो भिखारी जो गरीब व्यक्ति को अगर लगी है, गिरा है, पैर में कुछ दर्द है, वो चिल्ला रहा है लेकिन उसका कोई सगा नहीं है कि उसका कोई रिलेटिव नहीं होता, होता है लेकिन उसके पास जाने से लोग शर्माते हैं, गलत बात है, शर्माना नहीं चाहिए, हमें जितना बनता है उतनी हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए ताकि हमें भी कुछ सुकून मिले, कोई कुछ आराम मिले, हमें भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ मिले कि मैंने भी किसी की मदद की थी। हमें हमेशा हर व्यक्ति के मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें रेडी रहना चाहिए ताकि हमें भी भगवान ऊपर वाला भी हमें देखे कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना भला मानस है, क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हमेशा कुछ न कुछ नहीं कुछ न कुछ लोगों के साथ हमें मदद करनी चाहिए, हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भिखारी है बेचारा रोड पे पड़ा है, साइकिल वाला टक्कर देके चला गया है, वो चिल्ला रहा है, आजू बाजू लोग घूम रहे हैं लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई तैयार नहीं कि मैं वो
उसकी हेल्प करो, मैं उसकी मदद करो, ऐसा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहा है अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मनुष्य मुझे सड़क के किनारे बिठा दे रे, कोई तो ऐसा इंसान हो, कोई तो ऐसे लोग हो, कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझे भला इंसान हो जो मुझे एक सड़क के किनारे पे बिठा दो रे। ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे, ये बहुत चिल्ला रहा है। ए लाला लड़कों को लाला बोल रहा है, बड़ों लोगों को बाबू बोल रहा है, लेकिन मुझे एक सड़क के एक तरफ ले चलो, ऐसा वो चिल्ला रहा, लेकिन कोई सुनने के लिए रेडी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से फिर देखो क्या होता है, एक विद्यार्थी आता है हाथ में बजता है, फिर वहां पे फिर से एक स्कूल का लड़का आता है और उसके हाथ में क्या है, बैग। जैसे कि पहले वाला जो स्कूल का लड़का आया वो पैदल चलते हुए आ रहा था, हाथ में पुस्तक थी, और वो मतलब भिखारी ने उसके पास भीख मांगी, तब उसने क्या बोला कि तू मुझे उधार अठन्नी देगा, मैंने पिक्चर की टिकट में भी पैसे कम पड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा लड़का जो स्कूल का आया वो साइकिल लेके आ रहा था और टक्कर मार के चला गया और उसको उल्टा डांट के गया और उसके बारे में कोई पूछा नहीं। अब तीसरा विद्यार्थी जो आ रहा है वो एक सज्जन है, अच्छा व्यक्ति है और सुंदर है। ठीक है, वो मदद करने के लिए तैयार है उनकी। जब देखो जहां पे जब कोई छोटे बच्चे कुछ काम करने लग जाते हैं तो बड़ों को वहां पे थोड़ी बहुत शर्म आनी चालू होती है, तब देखो आप पे क्या हो जाता है कि एक लड़का आता है स्कूल का और एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता है, विद्यार्थी आता है और हाथ में क्या है, बस्ता, बस्ता का मतलब बैग। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, विद्यार्थी अरे क्या हो गया बुड्ढे बाबा, उस जो गिरा हुआ है व्यक्ति उसको पूछ रहा है कि अरे क्या हुआ बुड्ढे बाबा, अब कैसे गिरे, आपको किसने गिराया और आपने आपकी किसी ने मदद भी नहीं की, इस तरह से वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है विद्यार्थी उस भिखारी को जो पढ़ा है उसे पूछ रहा है। बेटे को टांग देखकर अरे चोट ज्यादा लगी है, फिर उसी बालक ने उस लड़के ने उसी विद्यार्थी ने उस भिखारी को देखा और बोल रहा है कि उसकी टांग देखकर बोल रहा है कि अरे आपको तो चोट ज्यादा लगी है। ठीक है, फिर देखो कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा ये रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए है। देखो जो साइकिल से गिर गया था तब उसके पास एक टोकरी थी, कटोरी थी, कटोरी के अंदर 7 रुपए थे, अनाज था कुछ मतलब रोटियां थी और फ्रूट भी थे, कुछ अलग अलग प्रकार की सामग्री थी, वो सारी जमा करके वो लड़का देता है और उस भिखारी को एक किनारे पे ले जाता है और उसकी हालचाल पूछता है। ठीक है, और इस तरह देखो मैंने बोला ना कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कोई सज्जन दिल वाला होता है मतलब सरल स्वभाव वाला होता है, कोई अच्छा होता है, कोई किस तरह से बुड्ढे लोगों के साथ बड़े लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से उसको समझना है, उसे किस तरीके से समझाते हैं, तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, हमें हमेशा कोई भी व्यक्ति हो रास्ते में अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर रास्ते में कोई व्यक्ति आपको दुखी मिल जाता है, अगर वो रो रहा है, उसके कहीं लगी हुई है, वो उठ नहीं पा रहा है, वो मदद मांग रहा है, तो आपको हेल्प देनी चाहिए। हमें एक सज्जन व्यक्ति बनना है, सरल स्वभाव से बनना है, हमें सुंदर बनना है, किसी की हेल्प करने की मदद करने की हमारे मन के अंदर भावना होनी चाहिए कि नहीं अगर मैं आज तो ये गिरा है कल उठ के मैं गिर जाऊं तो मुझे कौन उठाएगा। अगर हमने किसी की मदद की होती है ना तो हमारी मदद करने के लिए भी कुछ कोई ना कोई लोग तैयार रहते हैं। जैसे बहुत बार बोलते हैं किसी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, बचने के लायक नहीं होता है कि वो मरने के करार पे, लेकिन वो बच जाता है, क्यों, क्योंकि उस सज्जन व्यक्ति ने किसी की किसी कुछ न कुछ दिन मदद की होगी या कुछ न कुछ सज्जन कार्य किए होंगे, कुछ न कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके वो बचता है। ऐसा होता है कि नहीं, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा।
कि उसकी हालत है इतनी खराब है, तो फिर या वो बच जाता है और फिर अपने जो जीवन जीना है वो जीता है। तो हमें भी हमेशा किसी की मदद करनी है, हमें भी किसी की बात सुननी है और हमें हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए इस चैप्टर के हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी भी एक परीक्षा होती है कि हमें तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोग हमारे सामने आते हैं और हमें उनकी मदद के लिए रेडी रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तब तक आप ये पार्ट 5 को अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो अच्छे से देखोगे और हम इसी चैप्टर 7 ये भी एक परीक्षा पार्ट 6 में कुछ अच्छे और भी पैराग्राफ होंगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।